इस चैप्टर में तुम लोग देखा होगा वैलेंसी का क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाना होगा, जैसे हम अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, अब वैलेंसी याद कर लेना। अब अगर हम तुमसे पूछेंगे नेम एन एलिमेंट दैट हैज टेट्रावेलेंट, ठीक है, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हुआ बताओ? टेट्रावेलेंट का मतलब हो जाता है जिसका चार वैलेंसी है। टेट्रा का मतलब क्या हो जाता है? चार। तो ये चीज ध्यान रखना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? C4- कार्बाइड। क्या हो जाएगा? कार्बाइड। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। उसी तरीके से तुमको बहुत सारा कंपाउंड बनाने का रहता है, कंपाउंड बनाने में क्या क्या रहता है? अमोनियम सल्फेट। तो वैलेंसी याद करना पड़ेगा तुमको, क्या याद रखना पड़ेगा? वैलेंसी। इसी चैप्टर में तुम्हारा क्या है, तुम लोग का है क्या, बैलेंसिंग के साथ बैलेंसिंग करना, वैलेंसी एंड बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग जो है तुम्हारा बहुत सारा काम आने वाला है, लेकिन बैलेंसिंग में इस बार पार्शियल रिडक्शन मेथड हटा दिया गया है। तो पार्शियल रिडक्शन मेथड का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है तुम लोग को, सिर्फ और सिर्फ किसका करना है? बैलेंसिंग का। वो भी तुम्हारा जो है कौन सा मेथड से करना है? हीट एंड ट्रायल मेथड से। कौन सा मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अभी हम बोर्ड पे तुम्हारा हेल्प करके बना देते हैं, तुम लोग हमको जरा मेरा हेल्प करो, तुम लोग को मेरे को बताना है कि ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे क्या, हम एक कंपाउंड दे रहे Pb3O4 को रिएक्ट करा रहे HCl के साथ, तो बता देते हैं कि ये तुमको देगा Pb3L2 प्लस H2O और प्लस क्या देगा? क्लोरीन देगा। प्लीज बात मत करो, सुनते रहो मेरा बात। तो एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का आने वाला है तुम लोग को, ठीक है, 5 मार्क्स से 1 मार्क्स कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे बैलेंसिंग का, हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए कि ऐसे इसको बैलेंस करेंगे, तो तुमको सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड बोल रहा है। कौन सा मेथड बोल रहा है? हीट एंड ट्रायल। तो भैया यहाँ पे नंबर बैठाएंगे और क्या करेंगे? आंसर लाएंगे। तो हीट एंड ट्रायल में ऐसे करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखो क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये रहना है कि जितना रिएक्टेंट की तरफ है एटम उतना प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। ऑड को इवन बनाओ। ऑड को क्या बनाओ? इवन। भैया यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 है, अगर हम यहाँ 3 लगा देते पीबी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे चलो पीबी तो 3 हो गया, क्या ऐसे बैलेंस हो सकता था? क्लोरीन यहाँ पे 3-2 जा कितना हो गया 6, और वहाँ +2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे हम 8 लगा देते, यहाँ पे क्या लगा देते? 8। अगर यहाँ 8 लगाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। तो हाइड्रोजन भैया यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देते? 4। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग किसको करते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कितना है इस तरफ? 4। और इधर भी कितना आ गया? 4। लेड यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कितना है? 3 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 8। यहाँ भी कितना आ गया? 8। ठीक है, और बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 1। यहाँ भी कितना आ गया? 1। क्या इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है? नहीं। अब क्वेश्चन अराइज करता है व्हाई एन इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो क्या लिखना है? टू कंप्लाई विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कंप्लाई करने के लिए, ठीक है, या मैटर लिखा रहता है, इसीलिए हम लोग को इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन को जो बैलेंस किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो पहला चीज तो ये हो गया बैलेंसिंग का क्वेश्चन, और बैलेंसी वाला क्वेश्चन दो चीज कर लेना, बैलेंसी रटना पड़ेगा तुम लोग को, कोई उपाय नहीं है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देते जो कुछ रिसेंटली ईयर से आता है ज्यादातर स्कूल में, जैसे क्या हमको यहाँ पे क्या करना है? इसका बैलेंसी निकालना है। तुम लोग देखा होगा NO2, तुम लोग देखा होगा NO, तुम लोग देखा होगा N2O5, ठीक है। तो तुम लोग ये N2O, ये सारा कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ बन रहा है, यहाँ पे हमको बताओ क्या नाइट्रोजन का हर जगह वैलेंसी सेम है? नहीं। तो तुमसे पूछा है, पूछेगा बताओ इसमें नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो जिसका वैलेंसी निकालना उसको हमको रहने देते हैं, हमको दूसरा एलिमेंट का पता है नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है। तो हम लोग क्रिस्क्रॉस मेथड से जानते हैं कि अगर हमको कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है तो क्या होगा? कैल्शियम का कितना होता है? Ca। Ca और फॉस्फेट का कितना होता है? 3 माइनस होता है। कितना होता है? 3 माइनस। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, Ca3PO4O2। तो ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे एक बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक कंपाउंड बनाना है, ठीक है, हमको X दिया हुआ एलिमेंट, और हमको कंपाउंड बनाना है क्या? एलिमेंट हाइड्रोक्साइड बनाता है OH। तो बताओ इसमें X का वैलेंसी कितना आया? 1। क्योंकि भैया अगर वैलेंसी OH का 1 माइनस है तो इसका पक्का 1 प्लस होगा, तो ये करके क्या आ गया? XOH करके, ठीक है। तो ये चीज तुम बताया, तो बताओ यही कंपाउंड तुम्हारा सल्फेट क्या बनाएगा? तो हमको पता है सल्फेट का होता है वैलेंसी 2 माइनस, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस, क्या बन जाएगा? H2SO4। समझ में आ गया ये चीज? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आओ, पहले ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केसेस, ठीक है।
N2O5 में NO2 में क्या होगा भैया, we know that the valency of oxygen is 2 minus, अगर यहाँ पे ये 2 आया है तो बताओ यहाँ पे इसको कितना होना पड़ेगा 4, तो देखिए भैया ये कट के कितना आ गया 2, अब इसको इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा N कितना हो गया 1 और O कितना हो गया 2, इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो वैलेंसी आया वो कितना आया 2+4 आया, कितना आया +4, ठीक है। उसी तरह यहाँ को पता है 2 माइनस है, कुछ आ रहा है यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 2 प्लस हुआ होगा, कट के कितना आ गया भैया 1 आ गया, तो इसमें नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आ रहा है +2। यहाँ पे देखिए भैया ये 2 है, ये कितना है 2, तो यहाँ पे ये 2 उतर चुका है ऑक्साइड का, तो बचा क्या 5 उतरा होगा किसका नाइट्रोजन का, 5 किसका उतरा होगा नाइट्रोजन का। उसी तरह ये देख, ये जो 2 है इसका उतर गया ऑक्साइड का, तो इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आ रहा है 1 प्लस 1 आ रहा है। तो तुम देखो अलग अलग जगह पे नाइट्रोजन का वैलेंसी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे कि वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या हो सकता है, तो इस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन है कि किसी किसी एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है वो वेरिएबल होता है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इनका वैलेंसी वेरिएबल है, याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। वैलेंसी की जगह अस कम के लिए आता है, एक ज्यादा के लिए आता है। जैसे आयरन का ही बात करें, अगर हम अस लगा रहे फेरस, तो ये चीज हमको समझ में आ जाता है कि इसमें Fe2+ आ रहा है, और फेरिक लगाते हैं तो कितना आ जा रहा है +3 आ जा रहा है। तो तुम लोग यहाँ पे देखो क्या बात करना चाहते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आयरन 2 लिख देते हैं, ठीक है, अगर नेमिंग में लिख दे, और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं आयरन 3 लिख देते हैं। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएबल वैलेंसी। बहुत बार एलिमेंट क्या करता है अपने आउटर, अभी क्वेश्चन आता है तो में ज्यादातर कि अगर ऐसे करके सेल है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल को तो बैलेंस सेल कहते सभी जानते, तो सेल नेक्स्ट टू बैलेंस सेल कौन है, पेनल्टीमेट सेल, वेरी गुड। तो यहाँ से भी क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसके कारण से एलिमेंट का क्या ऐसा वैलेंसी आता है वेरिएबल वैलेंसी। ज्यादातर ये जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट होता है बीच वाला, जिसको डी ब्लॉक बुलाते हैं, वही एलिमेंट जो होता है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें, वैलेंसी याद कर ले, केमिकल फॉर्मूला ये सब तुम लोग को पता ही है, ये इधर कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को। इसके बाद तुम्हारा कुछ सॉल्ट में नाम दिया हुआ है, जैसे जिप्सम का मॉलिकुलर फॉर्मूला बताओ, ब्लू विट्रोल, इप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रोल, ग्लोबर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला याद करेगा। क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता, नेम द फॉलोइंग, नेम ए सॉल्ट दैट इज डेका हाइड्रेटेड, डेका मतलब कितना हो गया 10, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा, पेंटा हाइड्रेटेड 5 जिसमें है, ठीक है, ये सब ब्लू विट्रोल, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है तुम लोग को, तुम लोग सबके बुक में दिया हुआ है, तुम लोग सब मार्क कर लेगा, एक भी बच्चा का इसमें गलती नहीं होना चाहिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला याद करके जाएगा सब बच्चा। फिर इसके बाद आ जाते हैं किसमें, यहाँ पे क्रिस्क्रॉस मेथड तुम लोग का आता है, हमको कोई भी इक्वेशन क्या क्या बताता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या क्या इक्वेशन बताता है और क्या क्या चीज नहीं बता पाता है, तो वो कर लेना है याद। What do you balance an equation? बता चुके हैं, to comply with law of conservation of mass या matter, जो लिखना लिख सकते हैं। Partial reduction method हट गया है, कोई बच्चे को पढ़ने का कोई काम नहीं है, okay? ठीक है, अब यहाँ पे आता है दो टॉपिक, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास, सब बच्चा इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन जो आएगा वो तुम्हारा कैसे आएगा चलो वो देखो, तुम लोग को क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में क्या चीज रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास पे क्वेश्चन क्या आएगा वो बताते हैं। पहले तो डिफरेंस देख लो एटॉमिक और मॉलिकुलर मास में क्या अंतर है, हम यहाँ पे तुम्हारे सामने O लिख रहे हैं और O2 लिख रहे हैं, तो एटॉमिक में ये 16 आ रहा है, एटॉमिक मॉलिकुलर में कितना आ रहा है 32 आ रहा है, कितना आ रहा है 32। तुम लोग को आज ये क्वेश्चन आया था, बताओ ये किसका यूनिट होता है, तो दिस इज AMU, ठीक है, ये मास का यूनिट है, किसका यूनिट होता है आंसर मास का, तो ठीक है गलती क्या है सही अब तुम लोग के ऊपर है। तो 16 और इधर ये क्या है 32, 16 और ये क्या हो गया 32, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड दिस इज रिलेटिव। अब ये इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन, तुमको याद करने का काम नहीं है, अगर आईसीएससी की तरह पैटर्न सॉल्व करेगा तो उसको वो तुमको डाटा दे देगा कि इसका इतना मास होता है, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट NH4O2Cr2O7, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको मास निकालना है, ठीक है। उसी तरह तुमको एक दे देते CuSO4.5H2O, तो ये सब में हमको क्या करेगा कि मास निकाल के बताओ कितना होगा, पहले हम CuSO4.5H2O का ही बताते हैं क्योंकि इसमें डॉट दे दिया भैया क्या कर दिया, कुछ नहीं है इजी है, कॉपर का होता है 63.5 तो इसको 64 ले लेते हैं,
सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, एच का 1 है, बाकी तुमको पता है। अब यह कैसे निकाले, तो देखो सीयू कितना हो गया 64, सारे एलिमेंट के बीच में प्लस होगा, सल्फर कितना हुआ 32, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, ये तो एटोमिसिटी बता रहे भैया, ठीक है, तो एटोमिसिटी के हिसाब से मास निकाल रहे, 44 इंटू क्या हो जाएगा 16, ये डॉट का मतलब क्या है प्लस ही है, दिस डॉट इंडिकेट वाटर चैप्टर आ रहा है, ये क्या बताता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर, तुम लोग को केमिकल इक्वेशन चैप्टर भी आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा CuSO4.5H2 का कलर ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये ब्लू कलर का होता है भैया, जब पानी निकाल देंगे तो किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये प्लस लगेगा, डॉट है तो यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस 5, ये पूरे में है, ठीक है, तो पानी 2 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या बता रहे, 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 5 × 18 आ गया, कोई दिक्कत तो पता है, यहाँ पे फिर से लिख देते एक बार, क्या दिक्कत है, जोड़ो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख ये 210 क्या लिख के आएगा, ग्राम लिख के आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ये आंसर आ गया इसका, कोई दिक्कत है, दो क्वेश्चन तुमको पक्का आने वाला है इस तरह का, दो क्वेश्चन तुमको पक्का आने वाला है, एक तो ये बता दिए, ये पता चल गया तो अमोनियम डाइक्रोमेट का भी निकाल ही लेगा तुम लोग को, तो वही चीज है, ये क्वेश्चन तुमको आएगा, गड़बड़ करके मत आ जाना कल, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को आने वाला है कि मास निकाल के बताओ, याद रहेगा तुम लोग को, डॉट का मतलब यहाँ पे प्लस ही की है, जितने भी एटम्स है उसको जो उसके मास से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मास से क्या करना पड़ता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन का, रिवाइज सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे कैसे निकालना पड़ेगा, परसेंटेज कंपोजिशन का अगर क्वेश्चन आता है तो जिस तरह से स्कूल में तुम्हारा मार्क्स आएगा उसका परसेंटेज निकालते हो, उसी तरह इसको भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे किसका लेते, एक एग्जाम्पल ले लेते CaCO3, ठीक है, किसका ले लिए CaCO3, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो भैया सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 निकालना पड़ेगा, पहले टोटल मार्क्स चाहिए कि नहीं, तभी ना मार्क्स निकालता है, डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 1000 जो भी तुम लोग करता है, ठीक है, तुम लोग का 1000 का ही पेपर होता है, जितना तुम्हारा टोटल मार्क्स आया है इंटू क्या कर देते हैं 100, क्या कर देते हैं 100, तो भैया पहले आप टोटल मार्क्स यहाँ पे जो मतलब जितने का पेपर दिए थे वो 1000 का था, उसी तरह इसका टोटल मार्क्स निकालो, ठीक है, ये असर्ड मार्क्स से जो तुमको आया है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा मेरा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 × 16, तो ये कितना आ जा रहा है बता, 100 आ जा रहा है, 100 ग्राम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्या निकाल लेंगे, कार्बन, कार्बन बोले तो कार्बन जो बोले वो निकालेंगे, तो भैया कार्बन का 12 बाई कितना हो गया 100 × 100, देखिए 100 कट गया, कितना परसेंट आ गया 12, तो हम ऐसे समझाने के लिए हो सकता है डेसिमल में भी आ जाए, तो ध्यान रखना है तुम लोग को, उस हिसाब से तुम लोग को बनाना है, किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का यही है। तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, कॉन्साइज में तुमको दिया हुआ है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला भी, ठीक है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, और सेफ्टी आ जाएगा टीचर दे दे, कुछ नहीं है वो, C6H12O6, ये है इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 6, तो CH2O ये हो गया, C6H6 का क्या हो जाएगा, C6H6 का CH हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, क्या आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH आ गया। यहाँ पे तुम्हारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का